मतलब जो ये यूनिवर्सिटी है ना, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है सच में। अगर आप लोग यहाँ हो गए तभी पता लगेगा। तो आप लोग को कैसा लग रहा है कॉलेज में आके? हाय हाय। तो गाइज अभी हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट ईयर के कुछ और भी स्टूडेंट मिले हैं। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज हमारी व्लॉग की शुरुआत हो रही है स्ट्रेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, और आज हम आ रखे हैं ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी में। और आज क्या है यहाँ माहौल, बच्चों की रिएक्शन लेते हैं अगर बच्चे मिलते हैं तो। ये है पार्किंग और अभी हम जस्ट एंटर ही कर रहे हैं। पीछे आप लोग को गेट वगैरह दिख ही रहा होगा, तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है यूनिवर्सिटी में, और आप लोग को भी दिखाते हैं। तो लेट्स गो। तो गाइज अभी हम लोग पहुँचे हैं यूनिवर्सिटी के फील्ड में, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे है हमारी वर्कशॉप और इधर को है हमारी पूरी फुल यूनिवर्सिटी इधर और इधर। जो ग्राफिक एरा हिल है उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है यूनिवर्सिटी। और अगर कोई अभी नया देख रहा है हमारे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो पहले, फिर आगे आगे को बढ़ते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करना और भूलना मत सब्सक्राइब करना। और बच्चों के रिएक्शन भी लेते हैं, काफ़ी बच्चे नए भी आ रखे हैं और काफ़ी पुराने भी हैं, तो दोनों से एक्सपीरियंस लेंगे। और चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी हम लोगों को कुछ फ्रेंड्स मिले हैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर के, तो अभी हम इनसे कुछ रिएक्शन लेते हैं। तो आप लोग को कैसा लग रहा है फिर? जैसा आप लोगों ने सोचा था यूनिवर्सिटी वैसी होगी, तो सारी चीज़ें वही हैं या कुछ? हाँ, मतलब हाँ। वैसी ही है, बट मतलब उतनी एक्सपेक्टेशन जो होती है कॉलेज में आके उतनी नहीं थी, बट इट्स नाइस। अच्छा। हाँ, अच्छा है। मैं तो गुजरात से आई हूं। गुजरात से? हाँ। अरे भयंकर। कौन सा कोर्स है आप लोग का? बीटेक बायो। बीटेक। और आपका? बीटेक बायो। तो गाइज आज तो पहला ही रिएक्शन मिल गया, पहले ही जनों से पूछा मैंने तो उन्होंने हाँ बोल दिया था रिएक्शन देने के लिए। तो ये तो बड़ी मस्त बात होगी यार। तो अभी और चलते हैं और देखते हैं, बहुत लोग मिलेंगे। और ये है बिल्डिंग, एक देख सकते हो आप लोग। इसमें पूरी नहीं दिख रही है ना, मेरा वाइड एंगल कैमरा है जो ख़राब हो चुका है। तो एक ही वाली बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ी है भाई ये यूनिवर्सिटी ना, मजाक से हट के। तो गाइज सामने उधर जो फ्लैग है उसके उधर की साइड है मेन फील्ड, और इधर की साइड को है बास्केटबॉल कोर्ट। तो बास्केटबॉल कोर्ट में जाते हैं। यह है कंप्यूटर सेंटर और यह तुम्हारा बास्केटबॉल कोर्ट। कभी कभी हम लोग आते रहते हैं यहाँ बास्केटबॉल वगैरह खेलने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। पीछे देख सकते हैं आप लोग, बड़ा मस्त सा कोर्ट है। और अगर आप लोगों को बास्केटबॉल खेलना है यहाँ यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आप लोग जो बास्केटबॉल क्लब है उसमें साइन अप कर सकते हो, वहाँ बात कर सकते हो, नाम रजिस्टर कर सकते हो अपना, तो फिर आप लोग भी बास्केटबॉल टीम से खेल सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा जो है बास्केटबॉल के मैच होते रहते हैं यूनिवर्सिटी में, तो आप लोग भी पार्ट ले सकते हो। तो गाइज अभी हम लोग को यहाँ पर फर्स्ट ईयर के कुछ और भी स्टूडेंट मिले हैं। तो आप लोग को कैसा लग रहा है कॉलेज में आ गए? अच्छा है, बहुत अच्छा है। पढ़ाई वढ़ाई तो फिर बेस्ट है यहाँ पर। बेस्ट है? हाँ, एक्चुअली यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मतलब कि आप नेचर से भी जुड़े रहते हो और आप मतलब पढ़ाई करना मतलब वो नहीं होता कि लाइक आप कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स में रहो और बैठ के पढ़ो, बट यहाँ पे ना दोनों ही लुक है। यहाँ पे सीमेंटेड चीज़ें भी ज़्यादा दिखेंगी और यहाँ नेचर तो आप देख ही सकते हो इतना अच्छा। हाँ, नेचर तो बहुत अच्छा है। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी कॉलेज? अभी तो खैर कुछ ही टाइम हुआ है आए हुए, तो ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं फिलहाल, बट ठीक है जितनी अच्छा रखी नहीं है उसके हिसाब से तो ऐसा होता है कि हर कॉलेज में बिगड़े बच्चे भी होते हैं, सुधरे बच्चे भी होते हैं, वो तो अपने ऊपर है कि कौन। सबसे अच्छी बात है कि सीनियर्स यहाँ पे काफी ज्यादा मतलब कि हेल्प भी कर देते हैं, सपोर्टिव बहुत ज्यादा है। और फैकल्टी बड़े भाई बहन, फैकल्टी भी बहुत अच्छी बहुत अच्छी है, तो टॉप क्लास है। अच्छा, कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? देहरादून से ही हो? अच्छा, और कुछ ऐसा गोल बना के आ रखे हो आप लोग? हम तो बिना गोल के आ गए थे, अब गोल यहाँ पे बनेगा। अच्छा, बिना गोल के आ गए? हाँ, मतलब कि हाँ ओके, ये भी चीज़ यहाँ की अच्छी है ना, यहाँ पे बहुत सब कुछ मतलब आपको अच्छा एनवायरनमेंट दिया हुआ है आगे बढ़ने के लिए। तो जो बच्चे लाइक पढ़ने वाले हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं उनके लिए तो बेस्ट है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने उतनी चीज़ें भी दी हुई। जो नहीं पढ़ने वाले ना उनके लिए भी चीज़ें हैं, जो पढ़ने वाले उनके लिए भी चीज़ें हैं। हाँ, तो गाइज़ मैं भी थर्ड ईयर का हूँ और मैं इनको थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। तो
ऐसा होता है कि जब कॉलेज में जब बच्चे आते हैं ना तो अपना एक गोल सेट करके आते हैं, तो मैं भी कुछ एक ऐसे ही गोल सेट करके आया था, लेकिन ऐसा होता है कि बीच में कुछ चीज़ों से ऐसे भटक जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ, मैंने भी सोचा था कि हाँ भाई YouTube वीडियो बनाऊँगा, यूट्यूबर बनना है, ये करना है, वो करना है। तो क्या हुआ था कि कुछ चीज़ें हो जाती हैं, समझ रहे होगे आप लोग, तो उन चीज़ों से नहीं भटकना है। और तो सब बढ़िया चल रहा है, बाकी मैं हूँ हिलका, और कभी आप लोग को कोई भी ज़रूरत हो तो मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और बाकी मैं हेल्प के लिए हमेशा, ठीक है, वेलकम। तो गाइस अभी हम लोगों ने यहाँ पे दूसरा रिएक्शन भी ले लिया है, तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा मस्त जा रहा है, और अभी देखते रहते हैं, मिलते रहेंगे, हमें लोग रिएक्शन लेते रहेंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे ग्राउंड की तरफ। एक्सक्यूज़ मी, मैं एक यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें मैं ऐसी रिएक्शन ले रहा हूँ। आप लोग फर्स्ट ईयर के हैं? नो, हम स्टाफ हैं। अच्छा, स्टाफ हो। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी। अच्छा, सॉरी। ओह माय गॉड। तो गाइज यहाँ पे हमें कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और मिले हैं। अरे हो जाओ प्रिपेयर हो जाओ। ओके, इधर से शुरुआत करो, ठीक है। इधर आ, कोई नहीं, उधर चलो चलो। दो सिंपल से क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग को कैसा लग रहा है ग्राफिक एरा में आके, जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन थी वैसा है कि नहीं है कॉलेज? हमें बहुत अच्छा लग रहा है ग्राफिक एरा में, जो एक्सपेक्टेशंस थी वैसा ही है। हाँ, थोड़ा सा फीमेल टीचर रूड है। रूड है, ओके, थोड़ा उनके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। कॉफी थोड़ा बेकार है। कॉफी, अच्छा, कहाँ, कैंटीन की? अच्छा, चलो चलो। आपकी कॉफ़ी में क्या कमियाँ बता दो, कॉफ़ी भी ठीक करा देंगे। पानी ज़्यादा है, चलो दूध ज़्यादा डलवा देंगे कल से, ठीक है। तो गाइज अभी हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट ईयर के कुछ और स्टूडेंट भी मिले हैं, काफ़ी क्यूट से बच्चे हैं, और देख सकते हो आप लोग। तो आप लोग को कैसा लग रहा है कॉलेज में आके? अच्छा, मूवीज देख के आते हैं हम लोग तो, वही रहते। अच्छा, कौन सी वाली मूवी देखी थी? छिछोरे। हाँ यार, छिछोरे देख के तो मैं भी आया था। अभी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही। हाँ, वही जब मैं 12th में था ना, तब वो स्टार्टिंग में आई थी। अभी तो मेरा 3rd ईयर है, जब मैं 12th में था तो हम भी छिछोरे देख के आए थे। हमने कहा था ये ग्रुप बनेगा, ये हॉस्टल लाइफ जाएंगे, घर वालों ने डाल दिया रूम में, ठीक है, रूम वूम ले लिया, और फिर स्टार्टिंग में वही रूड सी आंटी मिल गई एक, ठीक है, बोलती थी 8 बजे घर के अंदर आ जाना। काफ़ी लोग वो भी कर पा रहे होंगे, रिलेट भी कर पा रहे होंगे, तो हॉस्टेलर्स। हाँ, हॉस्टल लेने का क्या मतलब, हॉस्टल के लिए यार तुमने? हॉस्टल, अरे काम वाम नहीं करना पड़ता ना ज़्यादा। काम वाम नहीं करना पड़ता, इसलिए खाना कौन बनाए, कौन सा, जो लोग पीजी में रहते हैं वो कौन सा काम ही करते हैं, घर गए ये उधर फेंका उधर फेंका। अभी मैं तुम्हें बताऊं, अभी जैसे अभी तुम्हें अभी तो कुछ टाइम नहीं हुआ, मतलब कितने महीने रखे होंगे? दो तीन हफ्ते ना। अभी तुम्हें जैसे 6 महीने होंगे, फिर 1 साल होगा, फिर तुम्हें लगेगा यार खाली ले लिया यार, क्यों ले लिया यार, हमने क्यों ले लिया। सेकंड ईयर में ले लेंगे। हाँ, कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? देहरादून के। यूपी। अच्छा, आपने तो कुछ बोला ही नहीं, आप भी बोल दो, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी? मेरी इतनी कुछ खास नहीं थी, क्योंकि मेरे बड़े भाई पढ़ते हैं तो उन्होंने बता देता है ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा, हाँ, चलो ठीक है। और कुछ ऐसे कुछ गोल लेके आए हो अपने साथ कि ये करूँगी वो करूँगी या खाली? सबका गोल तो यही हो रहा है कि प्लेसमेंट मिल जाए ना, सबका तो नहीं होता, मतलब कुछ कुछ होगा तो, मतलब जिन्हें, मतलब जिनके पास ऑलरेडी बिजनेस वगैरह है उनको तो बस डिग्री लेने से मतलब। हाँ, मतलब कुछ कुछ लोगों का तो यही होता है कि प्लेसमेंट मतलब मिल जाए, बट अच्छा हाँ। चलो ठीक है, फिर गोल कुछ नहीं है फिलहाल, मसूरी जाना है। अच्छा, अभी तक घूमे नहीं गए? आउटिंग अलाउड नहीं है हॉस्टल से। वही मैं कह रहा हूँ, 6 महीने बाद रुको अभी तुम लोग। हाँ वही तुम लोग। अच्छा, तुम्हारा तो घर है यहाँ खुद का। हाँ, चलो ठीक है भैया, थैंक यू। गाइज अभी मैं रेंडमली, मेरे को ये भाई मिल गए थे और मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। क्या आपका नाम? कृपा नारायण।
तो बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है हम दोनों ही इंजॉय कर रहे हैं, मतलब वीडियो बनाना कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है, बात करने में मज़ा आ रहा है, बात करने में मज़ा आ रहा है। तो ऐसे भी बात करते रहते हैं, और लोग मिलेंगे तो उनसे भी बात करेंगे। बाकी मेरी है 12 बजे से क्लास हिल पे, तो अभी 12 बजे से पहले मैं थोड़ा चले जाऊँगा, देखते हैं तब तक कितने रिएक्शन मिलते हैं। और अगर आप लोग कोई वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो कल मैं हिल की वीडियो बनाऊँगा ऐसी, तो देखते रहो अभी कैसा। गाइज अभी हम लोगों को चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय बाय। तो गाइज अभी हम लोगों ने फाइनली आज बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा हमें। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर को, और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, ग्राफिक एरा वाले जितने भी हैं वो तो सब्सक्राइब कर ही दो। क्या पता कल हम और आएँ और आप लोग भी आओ वीडियो में, कहीं पर मैं दिखूँ तो मेरे को रोकना पक्का वीडियो बनाने के लिए, ताकि आप लोग भी रिएक्शन दे पाए। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर को और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वाले व्लॉग में। अगर आप लोग की ऐसे ही सपोर्ट इसमें आया तो हम लोग हिल की भी बनाएंगे। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। अभी मैं कंटिन्यू कर भी सकता हूँ आगे को, नहीं होगा तो देखेंगे फिर, ठीक है, बाय।